कैंसर पीड़ित पुत्र ने अपनी माँ के लिए मांगा वोट, कहा मैं रहूं या ना रहूं पर मेरी माँ का देना साथ। यह सुनकर माँ यशोदा देवी हो गई भावुक, मंच पर ही सिसक सिसक कर रोने लगी माँ। थर्ड स्टेज किस कैंसर पीड़ित ने मंच पर दिया ऐसा भाषण, सुनने वाले लोगों की भराई आंख। इस वीडियो में आप बने रहे, हम आपको इस खबर की पूरी जानकारी बताते हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। दरअसल झारखंड में अभी डुमरी उपचुनाव की तैयारी जोरों शोरों पर है, जहां सभी राजनीतिक पार्टी के दल चुनावी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। पर इसी बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। दरअसल डुमरी उपचुनाव में आजसू पार्टी प्रचार प्रसार में लगी हुई है और उनकी प्रत्याशी यशोदा देवी है। यशोदा देवी के बेटे ने एक सभा को संबोधित किया है। आपको बता दें कि उनका बेटा कैंसर के थर्ड स्टेज पर है। इधर सभा को संबोधित करने के दौरान उनके बेटे ने बुलंद आवाज देकर अपने माँ के लिए वोट मांगा है। वो कहता है कि मैं रहूं या ना रहूं पर मेरी माँ का साथ जरूर देना। यह बात सुनकर आजसू प्रत्याशी और कैंसर से पीड़ित बेटे की माँ भावुक हो जाती है और वह सिसक सिसक कर स्टेज पर ही रोने लगती है। यह दृश्य देख कर सभी लोग शांत हो जाते हैं और कई लोगों की आंखें नम हो जाती है। पहले इस वीडियो को देखे। हमारे माई के साथ रबा गिला रबा सबके बोल, हमारे माई के साथ रबा गिला रबा। अरे एक बेटा चल दिया तो की बेटा जो सो का थे बिके से गए बेटा, हजारों बेटा यहां एक टुकड़ी बिराता हो गए, हजारों का धर्म तो का बेटा हो एक टुकड़ी बिराता हो गए। इसीलिए आज हम रहे इधर है, कल हम रहे इधर है। प्रदीप मातो का एक एक प्रदीप मातो बन के मेरी माँ का सेवा करना है और हम भी एक साल दो साल तीन साल जब तक इस धरती में रहेंगे केंद्र का तीसरा स्टेज हो, चौथा स्टेज हो, पांचवा स्टेज हो, आपका सेवा जिंदगी भर करेंगे। जैसे मेरा बाप सेवा करते करते इस दिन के अंदर चला गया वैसे ही बेटा चला जाएगा। लेकिन ये डुमरी विधानसभा अगर दामोदर बाबू स्वर्गीय दामोदर बाबू के सच्ची श्रद्धांजलि अगर अर्पित करना चाहते हैं तो आने वाला 5 तारीख को डुमरी विधानसभा आने वाला 5 तारीख को क्रमांक संख्या 2 केला साहब ने भारी से भारी फतह से फगन दबाकर यशोदा देवी को विजय बनाए। और मुझे पूरा विश्वास है, पूरा डुमरी के जनता के आशीर्वाद से प्रदीप महतो कैंसर को भी और आएगा और इस डुमरी विधानसभा का सच्चा बेटा और सच्चा सपुत्र बनेगा। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि कुछ दिन पहले ऐसा ही दृश्य देखने को मिला था, जहां कार्यक्रम स्थल पर सभा के शुरू होने से पहले दिवंगत शिक्षा मंत्री और अपने पति जगन्नाथ महतो को याद करके मंत्री बेबी देवी भावुक होकर रोने लगी। वही जनसभा में पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने संबोधन में कहा कि अब तक बहुत सारी बातें आ चुकी है, जरा सोचिए कि ये उपचुनाव क्यों हो रहा है। सीएम ने कहा कि आज इस मंच में खालीपन महसूस हो रहा है, वह कमी हमारे बड़े भाई जगन्नाथ महतो की है, उनके अंदर जनता के प्रति जो भाव थे वह किसी में नहीं है। सीएम ने कहा कि जगन्नाथ दा अपने अंतिम सांस तक काम करते रहे, वे हमारी बात भी नहीं सुने। तो इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहे सोशल संवाद। जय हिंद।